हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम अपने बच्चों के एनुअल डे के फंक्शन में गए थे। ये वाला छोटा वाला मेरा बेटा तैयार हो चुका है, कृष्णा। जैसे ही फंक्शन शुरू हुआ, सबसे पहले एज यूजुअल सरस्वती माता की पूजा की गई। सभी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर्स को स्टेज पर बुलाया गया और उनसे दीप जलाए गए। उसके बाद बच्चों ने एक बहुत प्यारा सा गीत गाया। कान्हा जी की थीम थी, यहाँ पे आज कान्हा जी की लीलाएं दिखाई गई। छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये सबसे पहले कान्हा जी का एक वेलकम गीत किया। ये क्लास फोर्थ के बच्चे थे, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी इन्होंने। प्यारा सा गाना था राधा राधा, तो वो इन्होंने परफॉर्म किया। उसके बाद फिर कारागृह दिखाया, किस तरह कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो ये छोटे से बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे ये श्रेयश है, जो हमारी ही सोसाइटी में रहता है, बहुत टैलेंटेड है, ये फोर्थ स्टैंडर्ड में है। इसने वासुदेव का रोल प्ले किया था। तो उसके बाद जैसे ही कारागृह से दिखाया पूरा, किस तरीके से कृष्ण जी जन्म लेते हैं, उनको किस तरीके से लेके जाया जाता है, किस तरीके से शेषनाग उनकी रक्षा करते, इतने तूफान में उनको लेके जाता है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एकदम मतलब दिल खुश हो गया देख के, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद कैसे उन्होंने नंदलाला अपनी यशोदा माँ के यहाँ कृष्ण जी पहुँच गए, वहाँ पे सब ग्वाले जो थे वो बहुत खुश हुए। छोटे छोटे बच्चे आए ना जूनियर के जी के, जिन्होंने बहुत अच्छा डांस किया। मतलब देख के लग रहा था, फील आ रहा था कि कृष्ण जी एकदम बिल्कुल जन्माष्टमी का माहौल आ गया है। बच्चों ने इतना क्यूट डांस किया, सभी बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे कृष्ण जी की खुशियाँ ही मनाई जा रही थी कि किस तरीके से यशोदा माँ खुशियाँ मनाती हैं जब उनको कृष्ण जी आते हैं वहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत प्यारा लगा वहाँ पे देख के। उसके बाद फिर बच्चों ने कृष्ण जी के अगले होली का प्रोग्राम जो होता रहता है, कृष्ण जी की होली का परफॉर्म करा। ये प्ले ग्रुप, ये आई गेस हाँ जूनियर के जी के बच्चे थे जिन्होंने बहुत अच्छा डांस परफॉर्मेंस दिया देख के। इसमें कृष्ण जी बने थे कुछ बच्चे राधा बने थे, कुछ बच्चे ग्वाले बने थे। तो किस तरीके से सब लोग कृष्ण से, कृष्णा जी की लीले दिखाई गई कि किस तरह के छोटे छोटे कृष्णा थे, बहुत प्यारे लग रहे थे सारे सारे कृष्णा। खासकर ये जो सेंटर पॉइंट में येलो कलर का बच्चा जो बिल्कुल सेंटर में अकेला खड़ा है कृष्णा, ये बहुत क्यूट था। इसने बहुत अच्छा डांस परफॉर्मेंस किया, इसके एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे थे। हम थोड़ा दूर बैठे थे जिसकी वजह से वीडियो कुछ साफ नहीं आ रही थी, बट हमने कोशिश करी कि वीडियो अच्छी बन पाए। ये कृष्ण जी की एक और लीला दिखाई गई थी यहाँ पे कि किस तरीके से मोर बन के बच्चों ने डांस किया था। उसके बाद ये रहा हमारा लिटिल कृष्णा, ये सेकंड में है येलो कलर की ड्रेस में, जो आपको कृष्णा दिखाई दे रहा है ये हमारा देव है, हमारा छोटा बेटा। तो इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। ये यशोदा कृष्णा की लीला दिखाई गई थी, कैसे यशोदा माँ अपने कृष्णा के साथ खेलती हैं, पूरा उनको जो कृष्णा नोटीनेस करते थे, कृष्णा शरारती थे, तो वो पूरा दिखाया है। ये रहा कृष्णा हमारा सेंटर में आया, मतलब देख के मतलब इतना प्यारा फील हो रहा था कि कृष्णा बिल्कुल देव, बिल्कुल कृष्णा लग रहा था एकदम। तो डांस भी बहुत एंजॉय कर रहा था, अभी बहुत छोटा है देव, जस्ट अभी नर्सरी में है, तो इसका ये पहला स्टेज परफॉर्मेंस था, तो हमें लगा बहुत शाई फील करेगा, बट इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ही इज़ एन्जॉइंग दी मोमेंट लॉट, और बहुत अच्छा लग रहा था इसको एन्जॉय करते हुए। ये देखिए सबसे ज़्यादा मतलब बच्चे तो और भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ऐसा नहीं बाकी बच्चे परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे थे, बट क्योंकि हमें देव से बहुत लगाव था तो देव को सेंटर में देख के बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर ये बाद में देव का प्रोग्राम खत्म होने के बाद राधा बन के काफ़ी सारी अच्छी लड़कियाँ आई, बच्चियाँ आई जिन्होंने बहुत अच्छा राधा पर परफॉर्म किया कि किस तरीके से राधा को दिखाया। उसके बाद फिर एक ये फेस्टिवल के लिए होली फेस्टिवल का प्रोग्राम यहाँ पे बच्चों ने कृष्णा का दिखाया। उसके बाद कृष्ण की लीलाएं दिखाई गई, किस तरीके से कृष्णा जी ने लीलाएं दिखाई थी, पर्वत को रखा था, पर्वत से मतलब गोवर्धन पर्वत बनाया था, उससे कैसे लोगों को बचाया था। ये डांडिया का प्रोग्राम महाराष्ट्र में बहुत फेमस है और बहुत डांडिया फेमस किए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने डांडिया तोड़ने के कृष्णा के रूप में रहे और डांडिया फोड़ने के दिखाया गया कि किस तरीके से एंजॉय किया जाता है। यहाँ पे बच्चों ने कृष्णा परफॉर्म करा, कृष्ण जी बने, बांसुरी बजाई, बहुत प्यारे लग रहे थे सभी बच्चे जिन्होंने बांसुरी बजाई, किस तरीके से एंजॉय कर रहे थे ग्वाले कृष्णा जी को, वो एंजॉय किया मोमेंट बहुत प्यारा। पीछे 3D में कृष्णा जी को दिखा रहे थे, इमेज में बहुत अच्छा लग रहा था देख के, भी बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसके बाद सभी बच्चे एक साथ आए, जो ये फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के बच्चे थे, तो उन्होंने परफॉर्म किया कैसे कृष्णा जी ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में उठाया था और बाकी लोगों ने वहाँ के मतलब जो लोग थे वहाँ पे रहते थे उनका रूप करा। उसके बाद एक और लीला दिखाई गई कृष्ण जी की, राधा कृष्णा की लीला दिखाई गई कि कैसे राधा और कृष्णा का प्रेम था, अटूट था। राधा जी और कृष्णा जी की एक डांस दिखाया था, किस तरीके से बच्चों ने बहुत अच्छा डांस परफॉर्मेंस किया। और ये जो सेंटर में छोटा चश्मा लगा के हमारा है, ये है हमारा बड़ा बेटा शिवाय, थोड़ा बैक साइड में था क्योंकि इसकी हाइट बहुत लंबी है, थोड़ा पीछे था, बट
शिवाय से एक्सपेक्ट नहीं था मुझे इतना ज़्यादा एंजॉय करेगा, इतना अच्छा डांस करेगा। शिवाय ने बहुत अच्छा डांस किया, बहुत एंजॉय किया। बैक साइड में था, फ्रंट रो में नहीं था क्योंकि छोटा हाइट में बहुत लंबा है। अभी बाकी बच्चे बहुत छोटे थे तो गर्ल्स को आगे रखा गया, बट पीछे आप देख सकते हैं ही इज़ एन्जॉइंग लॉट, बहुत एन्जॉय कर रहा था अपने पार्टनर के साथ। ये इसका गाना था होली आई होली आई, एंड ये होली की थीम पे दिखा रहे थे, तो बहुत एन्जॉय किया शिवाय ने, बहुत अच्छा डांस भी किया। मैं देख रहा था बाकी बच्चे मतलब थोड़ा नर्वस फील कर रहे थे, बट शिवाय बहुत कॉन्फिडेंट था अपने डांस को लेकर, और उसने अपने पार्टनर के साथ बहुत एन्जॉय किया था डांस को। एंड क्योंकि फील हो रहा था कि थोड़ा सा आगे आके डांस को करे, बट क्या था कोई बात नहीं, बच्चा पीछे था। यहाँ पे डांस बहुत अच्छा लगा शिवाय का और देव का भी। अगर हमारा वीलॉग आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और अच्छे अच्छे वीलॉग्स आपको दिखा सकें। ये एनुअल डे फंक्शन बहुत अच्छा रहा, थैंक यू सो मच।